हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ माई अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर क्लास 11। वी आर स्टडिंग द फोर्थ चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम। एंड इन अ प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम ऑफ दिस किंगडम, दैट इज फाइलम टीनोफोरा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो सबसे पहले फर्स्ट इसका हैबिटेट। अच्छा, हैबिटेट से पहले एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं। टीनोफोर्स मींस, टीनो मींस कॉम्ब, ठीक है। यानी कि जो ये इन जो एनिमल्स हैं बेसिकली इसमें, तो उनमें आपको कुछ कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो इनको बेसिकली, इनको टीनोफोर्स को, इनको जो है सी वॉलनट भी इनको कहते हैं, ठीक है। तो सी वॉलनट भी इनको कहते हैं। तो हैबिट, अभी स्टार्ट करते हैं हैबिटेट्स इनका। तो ये बेसिकली फ्री लिविंग है, ठीक है। मैराइन वाटर में ये आपको मिलेंगे। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ये लाइट एमिट कर सकते हैं, मींस दे हैव द एबिलिटी टू एमिट लाइट एंड दे आर नॉन एज बायोल्यूमिनेसेंस, बायो ल्यूमिनी सेंस मींस एबिलिटी टू एमिट लाइट। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रक्चर इनका किस तरह का है? सिमेट्रिकल है सब, और बायरेडियल सिमेट्रिकल है, बायरेडियल सिमेट्री। ओके, बॉडी जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक मींस हैविंग टू जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट, अगर टेंटिकल्स, मोस्टली तो टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि निडेरिया में या फिर सिलेंट्रेट जो उससे पहले हमने पढ़ा, तो उसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें टेंटिकल्स बेसिकली एब्सेंट होते हैं। अगर लेकिन इफ द टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, देन दे आर टू इन नंबर, टेंटिकल्स एब्सेंट इफ प्रेजेंट देन टू इन नंबर। ओके, तो दो नंबर में दो प्रेजेंट हो गए। नेक्स्ट, बॉडी वॉल किस तरह की? बॉडी वॉल की सिमिलर टू सिलेंट्रेट, मीन्स आउटर इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड इनर इज गैस्ट्रोडर्मिस। और इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस, दैट इज मीसोग्लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट, दे आर एसिलोमेट्स, ओके। लोकोमोशन किस तरह से? दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकोमोशन बेसिकली फ्लैजिला के थ्रू होगा, और वो जो फ्लैजिला है बेसिकली एट फ्लैजिला जो है कंबाइंडली, सॉरी, जो फ्लैजिला है वो किस तरह, जो अलग अलग एट कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होगी, लोकोमोशन थ्रू कॉम्ब प्लेट। तो एट अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, वो बेसिकली जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, कॉम्ब प्लेट। नेक्स्ट, डाइजेशन किस तरह का है? डाइजेशन इस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कंप्लीट मिलेगा,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कंप्लीट डाइजेशन इतने लोअर फाइलम में होना बहुत रेयर होता है। इसके पहले किसी में नहीं, इसके बाद वाले फाइलम में भी कंप्लीट नहीं मिलेगा। कंप्लीट से मतलब ये कि माउथ भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, और फेरिंग्स भी प्रेजेंट होंगी, माउथ, फेरिंग्स, एनस कैनाल एंड एनस पोर। तो मींस अगर माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इस तरह के इट्स टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, सो कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टन इज इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, तो दोनों तरह का प्रेजेंट होगा इसमें डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बेसिकली जो है वो सिमिलर टू निडेरिया है, तो सही है, सिस्टम सिमिलर टू निडेरिया मींस कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगी। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन्स कुछ सेंसरी सेल्स होंगी लाइक कोलो ब्लास्ट, जो बेसिकली क्या हेल्प किस में करेंगे, दे बेसिकली हेल्प इन टू कैप्चर फूड, हेल्प, सॉरी, कैप्चर फूड। ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल एनिमल, सो दे आर हर्मेफ्रोडाइट। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलेगा, और फर्टिलाइजेशन जो होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात क्या है इनके बारे में कि दे हैव द एबिलिटी ऑफ रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, रीजेनरेट हो सकता है अगर कोई पॉइंट इनका कोई बॉडी का कोई ऑर्गन अगर कट हो जाता है एक्सीडेंटली, लॉस हो जाता है तो वो रीजेनरेट हो जाता है दोबारा, ठीक है। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट, कोई लार्वा स्टेज नहीं है। ओके, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है टीनोप्लेना, इसी का इसका साइंटिफिक नेम है प्लीरो ब्रैकिया, ये किस तरह का है, कुछ इस तरह एक बॉल के जैसा स्ट्रक्चर है, सेंटर में कहीं पर ये कुछ इस तरह से, ये कॉम्प्लेट, ये वाला एक एनास्पोर, ठीक है, उससे कनेक्टेड कॉम्प्लेट, ठीक है, कॉम्प्लेट, और इसके अंदर में कहीं पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा ये, ठीक है, इससे कनेक्टेड रहेगी ये फ्लैजिला, ठीक है, ये यहां पर कहीं पर माउथ। ओके,
तो इस तरह का ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज, एक बार उसको भी देख लेते हैं। सो फाइलम प्लैटीहेलमिंथीज, इसका मींस क्या है? इट मींस फ्लैट, प्लैटी मींस फ्लैट एंड हेलमिंथीज मींस वॉर्म, मींस इट द फाइलम इंक्लूड फ्लैट वॉर्म्स। ओके चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक बार देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हैबिटेट, सिंपल वही चीज़ है। तो मोस्टली दे आर, जितने भी हैं ये सब पैरासाइट, पैरासिटिक नेचर के हैं, मोस्टली आर पैरासाइट। और दे आर ऑल्सो पैथोजेनिक, मीन्स दे हैव द एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस एनी डिजीज और कोज एनी डिजीज, पैथोजेनिक, एंड सम आर फ्री लिविंग, कुछ फ्री लिविंग भी है। अच्छा इसके बाद सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहां से फाइलम जो स्टार्ट होंगे वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, मींस थ्री जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट, बट एसिलोमेट। ओके नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का है? डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सिंपल, सिंपल बट इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज सिंपल एंड इनकम्प्लीट। ओके एनस प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन जो एक एग्जाम्पल है इसका टेप वर्म, इसमें के इसका एक एग्जाम्पल है मेंबर, इसका टेप वर्म, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट इन टेप वर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रेस्पिरेशन, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू, किसी तरह के कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ये इंपॉर्टेंट है इनका, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन थ्रू बाय स्पेसिफिक सेल्स, दे आर नॉन एज फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स, ठीक है। तो इनको फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स भी इनको कहते हैं, और ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है नर्वस सिस्टम प्रेजेंट बट वेरी सिंपल टाइप। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट, लाइक सकर्स, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें माउथ पर जो है सकर्स प्रेजेंट होते हैं एंड हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? बेसिकली जो होस्ट है उससे उसको
अटैच होने में हेल्प करते हैं हुक्स, और जो सकर्स हैं वो डाइजेस्टिव जो फूड सब्सटेंस हैं या फिर जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, हेल्प टू अटैच विद होस्ट एंड टेकिंग फूड, तो उससे फूड लेने में भी हेल्प करते हैं। चलिए रिप्रोडक्शन किस तरह का है, हर्मेफ्रोडाइट है ये, मींस बोथ सेक्सेस प्रेजेंट इन ए सिंगल एनिमल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मींस लार्वल स्टेज प्रेजेंट, इनडायरेक्ट मींस डेवलपमेंट थ्रू लार्वल स्टेज, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट क्या कुछ पॉइंट पॉइंट इसमें कि इसका इनमें रीजनरेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, दे हैव द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, रीजनरेशन जैसे कि 10th में एक एग्जांपल आपने पढ़ा था प्लेनेरिया, तो प्लेनेरिया हैव द हाईएस्ट रीजनरेशन एबिलिटी, ठीक है। तो प्लेनेरिया इसके प्लेनेरिया इज अ मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिंथीज। तो कुछ एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हैं, एक तो उसका एग्जाम्पल है टीनिया, प्रॉपर नेम इज टीनिया सोलियम, एंड अनदर एग्जाम्पल इज फैसियोला, हिपैटिका। टीनिया सोलियम इज कॉमनली नोन एज टेप वर्म, एंड फैसियोला हिपैटिका नोन एज कॉमनली नोन एज लीवर फ्लूक। इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ लीवर फ्लूक एंड टेप वर्म, दो सम द लीवर फ्लूक लुक्स लाइक दिस, दिस इज माउथ एंड अराउंड द माउथ सकर्स एंड हुक्स आर प्रेजेंट, सकर्स ओके समवेयर ऑन द टर्मिनल एंड एनस और एक्सक्रीटरी पोर, सो इट इज लीवर फ्लूक। देन टेप वर्म इज जस्ट लाइक दिस, ही हैज सेगमेंटेड बॉडीज, मीन्स ए नंबर ऑफ सेगमेंट्स प्रेजेंट इन द बॉडी, इट इज हेड नेक एंड सेगमेंट्स, ओके। सो यहाँ तक आकर हमने इसके बारे में कुछ सब चीज़ें कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फाइलम को पढ़ेंगे, ओके थैंक यू।